पंचमी का उत्सव और होली के गाने सभी को बहुत पसंद आते हैं। इन बीसीएन के लाखों दर्शकों के लिए शहर के जाने माने कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गाने गाकर दर्शकों को खुशियां दी हैं। पेश हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनसे बातचीत की है तमाम कलाकारों ने, आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, होली के रंग आपके संग इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आज आपका मनोरंजन करने के लिए होली के अनेक रंगों को बिखेरने के लिए आज शहर के कुछ ऐसे कलाकार को हम पेश करने जा रहे हैं जो बेहतरीन अंदाज में आपका पूरा मनोरंजन करेंगे और होली के एक से भरे एक नगमे को वे पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इस समय में हमारे साथ में वॉइस ऑफ मुकेश के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ऐसे राजू व्यास है हमारे साथ। आइए उनसे सबसे पहले हम बात करते थे। राजू, ये बताइए कि जिस प्रकार से वॉइस ऑफ मुकेश का आपको लोग आपको वॉइस ऑफ मुकेश के नाम से पहचानते हैं, आज बीसीएन के स्टूडियो में आप आकर जो दर्शकों का मनोरंजन होली के गीत गाने के लिए यहाँ आए हो, कैसा महसूस करें, क्या चल रहा था आपके मन में जब आपको इस स्टूडियो में आकर गाना गाना था? बहुत अच्छा लग रहा था, और इन बीसीएन न्यूज़ ने और चैनल ने जो हमें यहाँ पर मौका दिया है, सबसे पहले तो मैं इन बीसीएन का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और होली का ये जो त्यौहार है, काफ़ी हमारे हिंदू त्यौहार का एक सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, तो मैं चाहूँगा कि इसे आप फुल एंजॉय कीजिए, लेकिन पूरे मतलब सरकार के जो आदेश है उसके मान्य अनुसार आप इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि कोरोना से हाल ही में हम जूझ चुके हैं, और हाल ही में कोरोना अभी हटा नहीं है, लेकिन हमें पूरी सावधानी से होली खेलनी है। तो एक बार आप सभी से मैं होली की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूं, और एक बार फिर से मैं इन बीसीएन का यहां पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। बिल्कुल, राजूला सिंह ने जिस प्रकार से बताया कि कोरोना का कार्यकाल आया था, वो जो समय था काफ़ी बिगड़ोल समय था और उसमें कई लोगों की जाने तक गई थी, लेकिन कोरोना कुछ हद तक के कम हुआ है, अंकुश पाया है उस पर। और होली का एक ऐसा त्यौहार कि जो सभी जाति धर्म पंथों को जोड़ता है और मिलजुल के कामकाज होता है, अनेक रंगों में होता है एक रंग, और इसी को कहते हैं होली का रंग। इस समय में वॉइस ऑफ किशोर के नाम से पूरा विदर्भ नहीं महाराष्ट्र जानता है, ऐसे अजय मलिक हमारे साथ में है, बेहतरीन कलाकार है, वे भी आज स्टूडियो में आए हुए हैं। अजय जी, ये बताइए कि यूं तो किशोर कुमार साहब ने कई होली के गीत गाए, जब उन्हीं के गाए हुए अंदाज को जब आप पेश कर रहे थे तो क्या चल रहा था आपके मन में, कैसा महसूस कर रहे हो? सबसे पहले तो इन बीसीएन का मैं गुजार हूँ कि मुझे ये मंच मिला है, और सबसे पहले कि यह है कि किशोर दा ने बहुत सारे गीत ऐसे होली के लिए गाए हैं, तो मुझे यहाँ गा कर के बहुत अच्छा लगा कि मैं इन बीसीएन के सदस्यों के लिए मैं ये गाने गा रहा हूँ, और बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बीसीएन ने ये मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय इंडस्ट्री में यदि संगीत की बात की जाए तो संगीत पूरे दुनिया भर में विश्व में मशहूर है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे भी सिंगर्स बने हुए हैं जैसे कि पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब हो, मुकेश चंद्र माथुर साहब हो, किशोर कुमार गांगुली जी हो, या फिर और अन्य भी ऐसे गायक हैं जिन्होंने होली के बेशुमार गीत गाए हैं, और उन्हीं गीतों को आज आपके सामने में पेश करने के लिए नागपुर शहर, विदर्भ और महाराष्ट्र की आन बान शान कहे जाने वाले, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किया था, ऐसे विक्रमादित्य के नाम से जो जाने जाते हैं सुनील कुमार वाघमारे हमारे साथ में है, उनसे जाने जाएंगे। सुनील जी, ये बताए कि रवि साहब ने यूं तो कई ऐसे अलग अलग नगमों के गाने गीत पेश किए हैं, मगर होली के भी गीत काफी पेश किया है, जब आप यहाँ पे आए कैसा महसूस कर रहे हो इस गीतों को लेकर? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बीसीएन चैनल का कि उन्होंने हमें मंच दिया। यूं तो कोरोना काल के बारे में राजू जी से मैं सहमत हूँ, राजू जी ने जो बात कही आप लोगों को उससे मैं सहमत हूँ। अब धीरे धीरे कोरोना जो है वो अब ख़त्म होने पर है, और मैं देवी होलिका से प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा जो है, ये जो कोरोना है, ये कोरोना होली में जल जाए, और हम कलाकारों को जो है वो काम जो है वो शुरू हो जाए। बहुत बेजार हो चुके हम कलाकार, सारे विश्व के कलाकार रास्ते पर आ गए, कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं है, और ऐसे हालातों में होठों पर खुशियां लाने के लिए, आप लोगों का एंटरटेन करने के लिए बीसीएन जो हमें मौका दिया उसका एहसान हम रखेंगे, और ये एहसान रहेगा कि उन्होंने ऐसे हालातों में मंच दिया, और हम थोड़ा सा
होटो पर बनावटी ही सही लेकिन मुस्कान लाकर आप लोगों का एंटरटेन किए, नागपुर शहर के अच्छे अच्छे कलाकार हैं यहाँ और इन्होंने मौका दिया, तो मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हर कलाकार की कला को मंच उपलब्ध करवाना यही काम इनबीसीएन मंच का है और हम आपको बताते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि ये तमाम कलाकार अपने आप में बहुत बड़े कलाकार है। अब मैं जिस कलाकार की बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि सुदेश भोसले साहब, जब भी कोई नागपुर में बड़ा प्रोग्राम इवेंट्स लेते हैं तो शहर के एक ऐसे कलाकार को वे जरूर उस प्रोग्राम में लेते हैं, फिर सरोजिनी हेलोंडे हो, ये जो एक बड़ी गायिका है उसका भी कोई प्रोग्राम हो तो एक नाम उनके साथ नागपुर से जरूर जुड़ता है, वो है अभिजीत कड़ू। अभिजीत कड़ू एक अच्छे सिंगर नागपुर शहर के, जो विदर्भ और महाराष्ट्र में भी जिन्होंने अपने गायकी की छाप छोड़ी है, लोग काफ़ी बेहद पसंद करते हैं, वे इस समय हमारे साथ में। अभिजीत, ये बताइए कि आप बड़े बड़े मंच साझा किए हो और आज बीसीएन के मंच से ये जो लाखों लोग, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, जब आप गाना गा रहे थे कैसा महसूस हो रहा था, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए आप? सबसे पहले तो इनबीसीएन न्यूज चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हम सभी कलाकारों को मौका दिया यहाँ पर आज अपनी कला पेश करने का, और वो भी होली के इस पावन पर्व पे। यूँ तो कोरोना काल में सभी कलाकार घर पर थे और कहीं ना कहीं आज एक बहुत अच्छी चीज़ हमने लोगों के लिए यहाँ पर की है, लोगों का एंटरटेनमेंट करने का काम किया है। तो हमारे जितने भी इनबीसीएन के दर्शक हैं उनको फिर से एक बार हैप्पी होली विश करना चाहूँगा, सेफ होली विश करना चाहूँगा और एक ही कहना चाहूँगा कि सभी अच्छे रहें और कोरोना अभी नहीं है तो सब खुश रहें और सबकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। थैंक यू। बिल्कुल, सबकी हेल्थ अच्छी रहे ये इनका मानना है और बहुत जल्द सब लोग इस दुख से निकल के अच्छे प्रभाव में जरूर आने वाले हैं क्योंकि कोरोना लगभग ख़त्म हो चुका है। और एक शहर की ऐसी गायिका जिन्होंने काफ़ी प्रोग्राम दिए हैं और बेहतरीन आवाज़ की मलिका, मालकिन हम जिसे कह सकते हैं, ऐसी स्नेहल पाठक हमारे साथ में। स्नेहल जी, ये बताइए कि जब आप गाना गा रही थी, क्योंकि शोले फिल्म का आपने गाना गाया है जो हेमा जी ने परफॉर्मेंस किया है, उषा जी हो, लता जी हो, आशा जी हो, ये तमाम जो गायिका के आप जो उनके उनको फॉलो करते हो, ये गाना गाने में कितना मज़ा है, क्या कहना चाहती हो आप? मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी इनबीसीएन न्यूज़ चैनल को जिन्होंने मुझे यहाँ पे गाने का मौका दिया और काफ़ी अच्छा लगा। मैंने अपना अच्छा गाने की कोशिश की है और पब्लिक को एंटरटेन करने की भी अच्छी कोशिश की है, इतना ही कहना चाहूँगी और हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू। बिल्कुल, इन्होंने हैप्पी होली एडवांस कहा है। दर्शकों, आपको इन तमाम कलाकारों की गाए हुए इनकी जो आवाज़ है आप तक जरूर पहुंचने वाली है, आप घर बैठ के भी ये प्रोग्राम देख सकते हो, घर में रह के आनंद उठा सकते हो और ये आनंद देने का काम जो आपके तरफ लाने के लिए जो कामकाज कर रहे हैं वे बीसी न्यूज़ है और इसको भलीभांति बहुत बेहतरीन तरीके से जिन्होंने गाया है, यही है मेरे शहर के वे नौजवान साथी और नौजवान सभी कलाकार, जैसे कि राजू व्यास है, अजय मलिक है, सुनील कुमार वाकमारे जी है, अभिजीत कड़ू है, स्नेहल पाठक जी है, ये तमाम तमाम लोग अपने आप में एक है और जब जब भी मौका मिलता है बीसीएन मंच के लिए ये लोग जरूर दौड़ के आते हैं। दर्शकों, आप होली का एंजॉय कीजिए, हर रंगों में होता है एक रंग और उसी को कहते हैं रंग पंचमी का, यानी होली का रंग। आप सबको इन बीसीएन परिवार की ओर से, नागपुर मेट्रो समाचार की ओर से और हमारे तमाम तमाम लाखों दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएँ होली के देते हैं और यही एक बात कहते हैं आपके लिए कि हिमालया की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। होली की अनेक अनेक आपको शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरा, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।